अंडे आलू बनाने के लिए हमने आधा कप ऑयल ले लिया है। इसे हम गरम कर रहे हैं। हमारा ऑयल गरम हो चुका है। अब हम सबसे पहले अपने अंडे फ्राई करेंगे ऑयल में। आप कवर कर करके ही अंडे डालें, वरना इसकी इतनी गंदी शीटें उड़ती हैं कि हाथ जल जाते हैं। हमारे अंडे फ्राई हो गए हैं, अब हम इन्हें निकाल लेंगे। अब इसी ऑयल में हम अपने आलू भी डाल देंगे फ्राई करने के लिए। हमारे आलू फ्राई हो गए हैं, अब हम इन आलू को निकाल लेंगे। इसी ऑयल में हम अपनी प्याज डाल देंगे। प्याज जो है मैंने ली थी 3 मीडियम साइज की, जो मैंने पीस लिया है जी। हम अपने प्याज लाल कर लेंगे, उसका पानी पूरा को खुश कर लेंगे। अभी हमारे प्याज का सारा पानी खुश्क हो गया है। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल देंगे और इसे भी प्याज को अच्छे से भून लेंगे। अब इसी के साथ हम इसमें अपना डाल देंगे टमाटर का पेस्ट। मैंने 2 टमाटर लिए थे और मैंने पेस्ट कर लिया है। और अब हम इसको पका लेंगे, बस उबाल आने तक हम इसको पकाएंगे। अब इसमें उबाल आ गया है, अब हम इसमें मसाले डालेंगे। 1 टीस्पून पिसी हुई मिर्चें, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून पिसा हुआ धनिया, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून पिसा हुआ ज़ीरा। अब हम इसे पकाएंगे, भुनेंगे अच्छे तरीके से मसाले को टमाटर के साथ। देखें हमारे टमाटर का पीस भी अब भुनने पे आ रहा है। अब इस पॉइंट पे हम इसमें डाल देंगे दही। मैं इसमें दही डालूंगी तकरीबन 2 टेबलस्पून और इसे अच्छे से भून देंगे। मसाला भून लिया है, पानी डालेंगे। इस पॉइंट पे आपने सारण में जितना शोरबा रखना है आप उतना मसाला पानी डाल सकते हैं। मैंने जो है वो कम रखना है शोरबा, उससे मैंने आधा कप पानी डाला है। इसमें अपने आलू डाल देंगे, आलू डाल देंगे इसके अंदर। अंडे डाल देंगे, ज़्यादा नहीं, इसको हल्के से।